okay hi everyone so today let's uh, discuss one interesting problem so it says a cylindrical tube open at both ends has a fundamental frequency nu the tube is dipped vertically in water so that half of its length is inside the water the new fundamental frequency is fine so amorphous cylindrical tube something like this let's say length of the ट्यूब इज कैपिटल एल राइट एंड ये दोनों एंड से ओपन है सो वॉट विल हैपन अगर हम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की बात करें फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करें लेट्स ड्रॉ डिसमेंट वेव है ना डिसप्लेसमेंट वेव हम ड्रॉ करते हैं देन एंडस पे क्या होगा एंड्स पे एंटी नोड होगा राइट ओपन एंड पे डिसप्लेसमेंट वेव का एंटी नोड होता है सो so, किस तरह से वेव्स बनेंगे बीच में एक नोड होगा समथिंग लाइक दिस और इस तरह से हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट वेव बनेगा नाउ यू कैन सी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स दो एंटी नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ लेमडा बाई टू सो वी कैन से वेव लेंथ बाई टू विल बी लेंथ ऑफ द पाइप सो वेवलेंथ विल बी ट्वाइस ऑफ एल नाउ लेट्स ए स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन दिस ऑर्गन पाइप इज वी सो वी विल बी फ्रीक्वेंसी इन टू वेव लेंथ सो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगा स्पीड डिवाइडेड बाई वेव लेंथ सो इट विल बी वी डिवाइडेड बाई वेव लेंथ इज़ टूवेल्व राइट ये सभी को आता है ना सेकेंड केस में क्या है सेकेंड केस में हमारे पास कुछ इस तरह से है कि ये जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है इसका हाफ लेंथ वाटर में डिब्ड है समथिंग लाइक दिस सो यहाँ पर हमारे पास वाटर हो जाएगा this length is L by 2, right? And now you can see fundamental mode of vibration में क्या होगा इस pipe की अगर हम बात करें so एक end open है ये वाला जो end है ये open है और जो दूसरा end है ना this one this is like closed end because यहाँ पे water है so open end पे antinode node होगा और closed end पे हमारे पास node होगा मैं displacement wave की बात कर रहा हूँ right सो so, किस तरह से फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में एक यू नो हाफ लूप बनेगा इस तरह से एंड वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन एन एंटी नोड एंड आन नोड दैट इज़ वेव लेंथ बाय फोर सो वेव लेंथ बाय फोर विल बी एल बाई टू राइट सो वी कैन से वेव लेंथ विल बी सिंपली ट्वाइस ऑफ एल एंड अगेन फ्रिक्वेंसी विल बी स्पीड डिवाइडेड बाई वेव लेंथ सो इट विल बी स्पीड डिवाइडेड बाय टू एल सो यू कैन सी फ्रीक्वेंसी दोनों ही केस में सेम आएगा सो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा सो यू कैन सी इनिशियली अगर न्यू दे रखा है तो फाइनली भी सेम रहेगा सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टोड नाउ लेट वी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन ओके इसकी वर्किंग हार्ट बेस्ट ऑफ लक